मेरे प्रिय लोगों, वापस आज के दिन विशेष रूप से 7वें तारीख फरवरी महीने में एक दूसरे से को हम मिल पा रहे हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अब तक हमें परमेश्वर ने संभाला है, आने वाले दिनों में संभाल कर चलाएगा, आपके सभी मनोरथों को पूरा करेगा। आप कह सकते हो कि अभी तक परमेश्वर पूरा नहीं किया है। मैं आपको एक ही एक आलोचना देना चाहता हूं, हमें सही समय पर परमेश्वर सभी चीजों को बिल्कुल ठीक रूप से पूरा करेगा। तो आप निराश मत हो जाइए, प्रार्थना को मत छोड़िए, बाइबल रीडिंग बहुत ही अवश्य है परमेश्वर के साथ जीने के लिए। अपने आप को अर्पित कीजिए, इसीलिए हर दिन पवित्र आत्मा के साथ इस संदेश को प्रार्थना के साथ भविष्यवाणी की नजरों से हम इसे आपको दे रहे हैं। कल जो वचन हमने पढ़ा था वो आपको याद होगा, उसमें एक और सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। यशया 4:4 यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। न्याय करने वाली आत्मा, ठीक है, न्याय करने वाली आत्मा। न्याय का उल्टा शब्द क्या है? अन्याय। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो न्याय से नहीं होती। सच्चा एक व्यक्ति एक दफ्तर में काम करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा हो सकता है, पर बाइबल बताता है कि सच्चे मनुष्य को परमेश्वर परिपूर्ण आशीषों से भरपूर करेगा। सच्चा जब वह जीना चाहता है तो शैतान बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। आज कचहरी में जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्तंभित हैं। आने वाली आशीष नहीं आई, आने वाली दौलत नहीं आई, आने वाले पैसे रुके हुए हैं, अन्याय से सब कुछ हो रहा है, झूठी गवाहियों को उठ खड़ा करते हैं, दौलत को हड़पना चाहते हैं। पर एक बात अपने मन में रख लीजिए, हमारा परमेश्वर नीति और न्याय करने वाला परमेश्वर है। वह आपके विषय में न्याय करने के लिए थोड़ा समय ले लेगा। आमेन। बाइबल में लूका 18वें अध्याय में हम देखते हैं बहुत ही सुंदर रूप से परमेश्वर बताता है, जो दिन रात उसको पुकारते हैं, जो उसके द्वारा चुने गए विषय को बहुत ही धीरे रूप से परमेश्वर काम करता है और न्याय जल्दी से उन्हें देगा। निश्चय रूप से न्याय करने वाली आत्मा है। आमेन। वह आप ही की ओर है। हिम्मत रखिए, यह मत सोचिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी ओर कोई नहीं है, पैसे नहीं है। एक ही रात में अगर तुम परमेश्वर के और अपने आंखें उठाकर हाथें उठाकर कहो कि हे परमेश्वर, मेरी सहायता तेरी ओर से मिलती है, तू ही ऐसा पर्वत है, कहता हूं परमेश्वर आपके लिए उत्तर देगा और आपके साथ रहेगा। यही बात जो है आपके मन में परमेश्वर ने डालने के लिए कहा है। आंखें बंद कर करके परमेश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, अपने करुणा और अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे मन में जो तूने वचन डाली है तेरे बच्चों को मैंने बांट दिया है। अन्याय के द्वारा तेरे बच्चों के विरोध में जो भी चीजें खड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल अनावश्यक चीजें हैं, कोर्ट में जो भी चीजें हैं, सब यीशु मसीह के नाम से डिसमिस हो जाए। तेरे बच्चों के विरोध में उठने वाली सभी औजार बिल्कुल नाकाम हो जाए। आश्चर्य रूप से उन्हें अच्छी सूचनाएं मिले, आश्चर्य भरे कार तेरे बच्चों के नजरों से वह देखने पाए, कानों से सुनने वाले हैं, उनके कानों में जो है खुशियां भरने वाली हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक परिवार को तू बलवंत कर। न्याय करने वाली आत्मा तेरे बच्चों के साथ खड़े होकर न्याय करने वाला है, इसे तेरी स्तुति हो। अभी हम स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। पूरा दिन जो है परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपना सारा भार उसकी ओर रख लीजिए और परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। आपकी सारी विनतियों को परमेश्वर पूरा करेगा। बिना भूले जरूर दूसरों को शेयर करें। आज जो संदेश अनुभव किया है उसे जरूर कमेंट सेक्शन में डालें और दूसरे लोग जब उसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे।
गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।